अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच देख के ना आज मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि नेपाल और साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था वो कहीं ना कहीं इस मैच से बेटर था। और अगर साउथ अफ्रीका को कोई रुला सकती है ना तो वो एक ही टीम थी इस टूर्नामेंट में, वो थी नेपाल। ये बात से आप एग्री करो या ना करो लेकिन ये बात एक रियलिटी है, ये बात एक ट्रूथ है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इस पूरे टूर्नामेंट में किसी भी टीम ने साउथ अफ्रीका को नहीं रुलाया, नेपाल को छोड़ के। वो एक रन से नेपाल की हार, उस एम्पायर का गलत डिसीजन और साउथ अफ्रीका की जीत, उसका कॉस्ट कहीं ना कहीं कह सकते हो कि नेपाल की टीम को भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर वो मैच नेपाल जीत जाती और बांग्लादेश वाला मैच नेपाल जीत जाती ना तो आज नेपाल हो सकती थी सेमीफाइनल खेल रही होती। लेकिन वो एम्पायर का गलत डिसीजन, नेपाल के साथ बेईमानी करना, ये एम्पायर की फितरत में है। खैर जो भी है, पहले अभी मैं बात कर लेता हूँ अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका को लेके। तो मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन टू साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए आपकी ये हार हुई है इससे भाई टूटना नहीं है। क्यों नहीं टूटना है? क्योंकि आपने ये सोचा नहीं था कि आपकी टीम सेमीफाइनल जाएगी, लेकिन आप सेमीफाइनल पहुंचे। देखो हमेशा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इतने इतने से रह जाती थी लेकिन इस बार सेमीफाइनल पहुंचा। बड़ी बड़ी टीम जो है सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाई। उससे भी बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान ने बड़े बड़े नामों को हराया इस बार, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये बड़े नाम थे जिनको अफगानिस्तान ने हराया। तो देखो एक बुरा दिन मैं कहूंगा आज नेपाल उसके अफगानिस्तान के लिए था, इससे टूटना नहीं है। आने वाले वर्ल्ड कप्स में जो है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और अच्छा परफॉर्म करेगी ये मुझे पता है। खैर अब आते हैं नेपाल पे। देखो साउथ अफ्रीका को रुलाना नेपाल के बाएं हाथ का खेल था और ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नेपाल क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका को रुला सकती है। मतलब 115 रन पे यहाँ पे साउथ अफ्रीका के विकेटों को उड़ा देना और वो 115 रन के बाद उस रन तक चेस करते करते पहुंच जाना जो है ना वो नेपाल के लिए बहुत बड़ी बात है। और देखो जब मैं कहता था आप लोगों के नेपाल ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला है, नेपाल ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला है, तो आप लोगों को लगता था कि भाई मैं झूठ कह रहा हूँ, बस नॉर्मल तारीफें कर रहा हूँ। लेकिन अब आपको पता चल रहा होगा कि कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो गेम है नेपाल ने खेला था और उससे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग जो है वो नेपाल ने करी थी। तो देखो मैं यहाँ पे झूठी तारीफ नहीं करना चाहता, जो चीजें हैं मैंने वही कहा था। और अब आपको पता चल रहा होगा कि नेपाल ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग जरूर की थी और बैटिंग भी की थी, लेकिन वो एक रन जो गुलशन झा ने नहीं लिया और उस कह सकते हो ओवर में एम्पायर की बेईमानी करना पांचवें छठे बॉल पे, कहीं ना कहीं नेपाल को जो है बैक स्टेप कर दिया गया उस टाइम पे एम्पायर की तरफ से और नेपाल जो है टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वही नेपाल क्रिकेट टीम टूट गई। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर नेपाल जीत जाती तो फिर बांग्लादेश को नेपाल और आसानी से हरा देती। वो कॉन्फिडेंस लेवल की ना थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। खैर जो भी है लेकिन नेपाल ने इस पूरे टूर्नामेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला। T20 वर्ल्ड कप में नेपाल ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि नेपाल को लेके बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे चीजें, लेकिन अब जो है सारी चीजें क्लियर हो रही है कि नेपाल क्यों जो है इस वर्ल्ड कप में फैन फेवरेट टीम थी, क्यों सारे लोग इनको फेवरेट मानने लगे थे। साउथ अफ्रीका जैसी टीम को रुलाना, साउथ अफ्रीका के 150 पेसर्स के सामने 20वें ओवर में छक्के चौके लगाना, वो सोमपाल कामी का छक्का लगाना रबाडा को, कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई आपने वर्ल्ड क्लास बॉलर के सामने अच्छी परफॉर्मेंस करी थी। रबाडा, जानसेन, नोकिया, इन सब के सामने आपने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा भाई ये एक प्राउड वाली बात है नेपाल के लिए, ये एक प्राउड वाली बात है। हालांकि अफगानिस्तान के लिए मैं कहना चाहूंगा भाई दुख होने की बात नहीं है यहाँ पे, और वैसे भी नेपाल और अफगानिस्तान का मैच होने वाला है तो दोनों भाइयों के बीच में जो मैच होगा और कह सकते हो मजा आने वाला है। अभी अफगानिस्तान और नेपाल के बीच में जो सीरीज होगी उसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि दो ताकतवर टीम मिली मतलब भिड़ेगी आपस में, समझ रहे हो, नेपाल और अफगानिस्तान दो ताकतवर टीम। और मैं चाहता था भाई कि यहाँ पे अफगानिस्तान परफॉर्मेंस करे, उन्होंने किया, और कहीं ना कहीं नेपाल के लिए भी चाहता था लेकिन नेपाल भाई बाहर हो गई। वो मैं कहूंगा ना भाई वो एम्पायर का भाई वो गलत डिसीजन है ना सारा गेम खराब कर दिया। उस दिन अगर वो डिसीजन दे दिया होता नेपाल क्रिकेट टीम अच्छा खासा कॉन्फिडेंस में खेलती, बांग्लादेश को भी हरा देती। और बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने देखा 106 रन पे ऑल आउट कर देना, 115 रन पे ऑल आउट कर देना, भाई ऐसी कौन सी टीमें करती है पता है जो टीम स्ट्रॉन्गर होती है, और नेपाल क्रिकेट टीम स्ट्रॉन्गर थी इस वर्ल्ड कप में, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। और इसलिए मैं जो नेपाल की इतने ज्यादा तारीफ करते हुए आता हूँ इतने दिनों से, समझ रहे, मुझे पता है नेपाल क्रिकेट टीम क्या कर सकते हैं। खैर इसको लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर जानना चाहूंगा आप इसके बारे में जो है क्या सोचते हैं।